नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आज हम जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले साथियों, आपको मैं वो जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपको बेसिक जानकारी मिल जाए कि संविधान क्या होता है, किसे हम संविधान कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साथियों, आप देखेंगे तो किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। और उस कानून का क्या है, एक सबसे बड़ी जो विशेषता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए ये कानून बराबर होने चाहिए। यानी साथियों, आपने क्या देखा, सभी नागरिकों के लिए बराबर कानून जो होता है उसे ही संविधान कहते हैं। यानी संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो ये किया गया है कि अगर देश का कोई भी नागरिक है तो उसके लिए वो क्या है, सबके लिए समान रूप से लागू होगा और कानून की दृष्टि में वो सभी नागरिक समान होंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे जानकारी लेते हैं साथियों, किसी भी देश अथवा राज्य का शासन कैसे चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये संविधान डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि देश और राज्य दो शब्द आए हैं तो इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले साथियों, देश, जैसे मान लो आप यूएसए को देख लीजिए, यूएसए में क्या है साथियों, यूएसए एक अलग से अमेरिका देश है, लेकिन अमेरिका का संविधान अलग है और अमेरिका में शामिल जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का अपना अपना अलग संविधान है। इसलिए साथियों, क्या है कि चाहे वो देश कहें या फिर राज्य कहें, उन सब में शासन व्यवस्था कैसी चलेगी और किस तरीके से वहाँ पर शासन व्यवस्था होगी, इसका प्रावधान आपको मिलेगा संविधान में। तो ये जानकारी है और इस पुस्तक का नाम ही क्या है, संविधान है, जिस पुस्तक में इस तरह के नियम लिखे गए हैं। अब साथियों, जैसे मान लो भारत में रहने वालों के लिए जो नियम लिखे गए हैं उसको हम भारतीय संविधान कहते हैं और अमेरिका में रहने वाले जो नागरिक है उनके लिए अमेरिका का संविधान है। इसी प्रकार साथियों, लिखित और अलिखित संविधान होते हैं और संविधान के कितने रूप होते हैं वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले साथियों, जो किताब की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा संविधान है, इसमें किसी भी पुस्तक में आपने देखा होगा तो लेसन दिया हुआ रहता है कि इस पुस्तक के इस पेज में ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो उसी प्रकार साथियों, हमारे संविधान में टोटल 22 लेसन है। यानी इस लेसन को ही हम क्या कहते हैं साथियों, भाग कहते हैं। यानी हमारे संविधान में वर्तमान समय में 22 भाग है और अगर इसमें जो भी संविधान संशोधन करके जो भाग जोड़े गए हैं अलग से, जिसमें उपभाग जिसे कहते हैं, अगर उनको हम शामिल कर लेते हैं तो वर्तमान समय में इनकी संख्या पहुंच गई है साथियों 25। अब साथियों, बाद में जो जोड़े गए भाग है उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे डिटेल में मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पर। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब किसी भी पुस्तक में जिस तरीके से टॉपिक होते हैं तो यहाँ पर क्या हो गए, भाग हो गए साथियों, यहाँ पर 22, और इसमें जैसे पुस्तक में टॉपिक होते हैं उसी प्रकार संविधान में क्या होंगे साथियों, टॉपिक न होकर के अनुच्छेद होंगे। तो कुल कितने अनुच्छेद है, संविधान लागू होने के समय 395 थे, वर्तमान समय में साथियों इनकी संख्या बढ़ करके आपके 450 से 550 के बीच में हो गई है। वो भी जानकारी आपको कंप्लीट हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। आगे जानकारी लेते हैं साथियों, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा है प्यारा भारत और इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है अलग अलग अनुच्छेद में। तो यहाँ पर बात आती है साथियों, संघ का नाम, यानी भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपका ये आ गया साथियों अनुच्छेद नंबर 1, या फिर जो इसका उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ पर मिलता है साथियों, तो संघ का नाम किस प्रकार रखेंगे और भारत है वो किस प्रकार से संघ बना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों, सबसे पहले है परिसंघ यानी कॉन्फेडरल
तो इसमें साथियों परिसंघ हम किसे कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर के क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी शक्ति दे देते हैं केंद्र को और बोलते हैं कि भाई ठीक है आप हमारा ये जो संगठन बना है एक राज्यों का उसका नेतृत्व करेंगे और आप क्या करेंगे हमारे लिए कानून बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा आपको भी करना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों, ये जो छोटे छोटे राज्य मिलकर के यहाँ पर क्या बना, एक शक्तियाँ केंद्र को दी और केंद्र को बोला ठीक है आप राज्य बना लीजिए, लेकिन आपको हमारी नियम हमारी शर्तें और हमारे जो विचार है उनको शामिल करना होगा। तो अगर आप नहीं शामिल करोगे तो ये जो परिसंघ है ये क्या होगा साथियों, ये अलग हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब चाहे तब आसानी से इस केंद्र सरकार से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ये आपका उल्लेख मिलेगा आपको कहाँ पर, ये आपका एक नंबर में। अब दो नंबर में क्या उल्लेख मिलेगा साथियों आपके लिए पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर है फेडरेशन, जिसमें साथियों इसको भी क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। यहाँ पर भी राज्य मिलकर के केंद्र को शक्तियाँ देते हैं और देश का निर्माण करने के लिए बोलते हैं कि आप भी एक ऐसे देश का निर्माण कीजिए जिसमें क्या है हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो, यानी केंद्र सरकार को ये इस तरीके से कहते हैं। लेकिन साथियों शक्तियाँ तो दी जाती है लेकिन शर्त वही रखी जाती है कि आपको कुछ हमारे जो विचार है उनको शामिल करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो ये जो फेडरेशन होता है संघ होता है इसमें से क्या है राज्य जब चाहे तब अपनी शक्ति को या फिर अपना जो भी वहाँ पर शक्तियाँ दे रखी है उनको वापस ले सकते हैं। वापस लेने से या विड्रॉल करने से क्या होगा, वो जो देश है जो इन राज्यों से मिलकर बना है वो टूट जाएगा बिखर जाएगा। जैसा कि साथियों हम सरकार के बारे में देखते हैं, अगर सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है सरकार क्या करती है, इसके पास में सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि वो किसी भी पार्टी को जो भी बड़ी पार्टी होती है उससे क्या करेंगे अपने साथ कोई संधि या समझौता करके उनको मिलाएंगे अपने साथ में और सीटें जैसे ही सरकार बनने के लिए जितनी सीट चाहिए जो कम रही है उसके लिए ये मिलाएंगे अपने अंदर। लेकिन साथियों क्या होगा अगर उनको सरकार कोई भी ऐसा पद या फिर ऐसा कोई भी लोभ या लालच नहीं देती है तो वो क्या करेंगे वापस चले जाएंगे, वापस जाने से वापस सरकार गिर जाएगी और वही कंडीशन यहाँ पर साथियों फेडरेशन में। और अब साथियों आगे जानकारी लेते हैं हम जो कि है हमारा तीन नंबर जो बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें है साथियों यहाँ पर यूनियन अथवा संघ, जो कि राज्यों का एक ऐसा संघ जो भारत आप यहाँ पर देख पा रहे हो साथियों, ऐसा संघ जहाँ पर एक बार मिलने के बाद वहाँ से वापस आप नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर साथियों क्या बन गया यूनियन, भारत एक ऐसा यूनियन बना जहाँ से कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता किसे भारत से, क्योंकि ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है उसके बाद में साथियों आगे बात आती है चार नंबर जो बिंदु है वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये फेडरेशन जो यहाँ पर हमने देखा था इसमें और यूनियन में क्या अंतर है, इंग्लिश में देखेंगे तो साथियों अंग्रेजों की भाषा में इसको फेडरेशन कहते हैं लेकिन हिंदी में इसका मतलब क्या है संघ है, और इसको यूनियन कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में और हिंदी में इसको भी संघ कहते हैं। तो इसका मतलब है इसमें कुछ तो अंतर है कुछ तो राज है, तो वो क्या राज है साथियों फेडरेशन का मतलब आपको साथियों समझना है किससे, यूएसए से, और यूनियन का मतलब है भारत से। तो यहाँ पर फेडरेशन का मतलब क्या हुआ यूनियन, और अमेरिका में क्या है साथियों ये यूनियन जो भारत में देखा इसका मतलब है भारत में शामिल होने वाला कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भारत से अलग नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। और फेडरेशन का मतलब क्या है साथियों यहाँ पर अमेरिका का संविधान अलग है और अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का अपना अपना अलग संविधान है और वो जब चाहे तब अमेरिका से अलग हो सकते हैं, और वहाँ पर दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है और भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब साथियों बात आती है हमारे पॉइंट नंबर पाँच की, इस पाँच नंबर बिंदु में हम देखेंगे देश का नाम। अब साथियों ये जो संघ का नाम है क्या रखा गया है
संघ का नाम रखा गया साथियों भारत अर्थात इंडिया, जो कि एक राज्यों का ऐसा संघ है जिसमें शामिल होने वाला कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो साथियों इस तरह के PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो इसका PDF पाने के लिए। यहाँ पर साथियों देखते हैं भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो साथियों, ये है आपका अनुच्छेद नंबर एक। अब साथियों भाग एक के अंदर अनुच्छेद नंबर एक से लेकर के 4 तक बताया गया है विस्तार से। तो सबसे पहले साथियों अनुच्छेद नंबर एक में देखते हैं क्या दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर एक में साथियों बताया गया है भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, और इसके अंतर्गत साथियों जो राज्य भारत में मिल चुके हैं वो राज्य कभी भी चाह कर भी चाहे कितना भी चाहे वो अलग नहीं हो सकते। जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है और आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर तो लास्ट तक जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तब तक वो बोलते थे हमें चाहिए आज़ादी आज़ादी, और फिर कैसे उनको आज़ादी मिली वो आप सबको पता है। तो इसका मतलब आप समझ गए साथियों कि कोई भी राज्य भारत में एक बार शामिल होने के बाद में चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य हो वो अलग नहीं हो सकता, ऐसा भारत के संविधान में भाग नंबर एक में और अनुच्छेद नंबर एक में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में साथियों ये परिसंघ क्या है और इससे संबंधित आपको मैंने संपूर्ण जानकारी इससे पहले दे दी है, वो आप PDF में जाकर रिवीजन करें। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर दो की बात आती है साथियों, अनुच्छेद नंबर दो में क्या प्रावधान किया गया है वो है साथियों संसद को ये शक्ति दी गई है, ये अधिकार दिया गया है कि अगर भारत की संसद चाहे तो किसी भी पड़ोसी देश चाहे आपका नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो या फिर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या कोई सा भी देश हो, अगर वो देश भारत में आकर मिलना चाहे या फिर उस देश का कोई भी ऐसा टुकड़ा जो बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो भारतीय संसद उसको अनुच्छेद नंबर दो के अंतर्गत या इस अनुच्छेद नंबर दो का सहारा लेकर के उसको मिला सकती है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर तीन की, जो कि साथियों आपका भाग नंबर एक अनुच्छेद नंबर एक से लेकर 4 और इसका भी तीसरा अनुच्छेद जिसमें क्या कहा गया है साथियों, अनुच्छेद नंबर तीन में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेगी और अनुमति लेकर के क्या करेगी अपने देश के अंदर जो भी राज्य है उस राज्य के नाम सीमा और क्षेत्र यानी उसके नाम को बदल सकती है, उस राज्य की सीमा को बदल सकती है, उसके क्षेत्रफल को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, दो राज्यों को मिला करके और एक राज्य के दो राज्य बना करके कम भी कर सकती है और उसकी सीमा क्षेत्र और इन सब में परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि आपने देखा साथियों MP से छत्तीसगढ़ बनाया गया, UP से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड बनाया गया, ये इसी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की, अनुच्छेद नंबर 4 जो कि साथियों भाग नंबर एक का अनुच्छेद नंबर 4 है, इसमें ये कहा गया है अगर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, राष्ट्रपति महोदय ने क्या बोल दिया, बोला नहीं हम अनुमति नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा संसद आगे काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 4 में इस पर कहा गया है कि अगर भारत की संसद क्या कर रही हो अनुच्छेद नंबर 2, यहाँ पर ध्यान रखिए साथियों अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग कर रही हो यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रही हो चाहे वो पाकिस्तानी क्यों न हो उसको अगर मिला रही है नंबर एक बार, और अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 में क्या कहा गया था कि भारत का किसी भी राज्य को भारत की संसद के पास अधिकार है कि उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में, उसके नाम में बदलाव कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, यानी इस तरह का अगर कोई तोड़ फोड़ कर रही हो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत तो क्या होगा साथियों राष्ट्रपति से अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर
राष्ट्रपति महोदय ने मना कर दिया, लेकिन अनुच्छेद नंबर 4 में ऐसी शक्ति दे दी कि राष्ट्रपति चाहे मना करे, चाहे हाँ करे, चाहे ना करे, आपको कोई मतलब नहीं है। आप विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हो और भारतीय राज्यों को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग राज्य बना सकते हो, इनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो और इनके नाम में परिवर्तन कर सकते हो। ऐसा आपके यहाँ पर उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 4 में। और अब साथियों एक शर्त और रख दी गई है यहाँ पर, अगर संसद 368 यानी 368 अनुच्छेद के तहत अगर कोई भी संशोधन करती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होगी, पूर्व अनुमति के साथ राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक साथियों अनुच्छेद 368 के तहत आप कोई भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब आप समझ गए साथियों, अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई राज्य की सीमा में उसके नाम में बदलाव अगर करना हो तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत की संसद भारत में मिला रही है, ऐसी स्थिति में भी वो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत उसमें उसे बाहर रखा गया है। तो ये साथियों संपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक। अब साथियों इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद नंबर 1 में आगे क्या जानकारी दी गई है वो जानकारी यहाँ पर लेते हैं साथियों। भाग नंबर वही 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 और इसमें भी पहला अनुच्छेद, इसमें साथियों क्या कहा गया है यहाँ पर, संघ का नाम यानी भारत का नाम किस अनुच्छेद में मिलेगा आपको, अनुच्छेद नंबर 1 में। नाम क्या रहेगा साथियों, ये है भारत अर्थात इंडिया, जो कि एक राज्यों का संघ है और ऐसे राज्यों का संघ है जो कभी क्या है, इसमें कोई भी राज्य चाहकर अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद नंबर 2 की बात करते हैं साथियों, अनुच्छेद नंबर 2 में उल्लेख क्या मिलता है कि भारत में क्या है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, यानी साथियों विधि के द्वारा संसद, यानी जो हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं प्रावधानों के अधीन रहकर हमारी संसद क्या कर सकती है, किसी भी देश को या किसी भी देश के राज्य को कुछ जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर क्या है, अगर उसको लगे कि ठीक है ये, तब उसको हमारे संघ में यानी हमारे भारत में मिला सकती है। उसके बाद साथियों बात आती है अनुच्छेद नंबर 3 की, जो कि साथियों आपके यहाँ पर क्या था, किसी भी राज्य के नाम और उसकी सीमा में परिवर्तन करना या फिर एक राज्य अगर बड़ा है तो उसको दो राज्यों में बांटना, ये काम संसद का है। तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र यानी सीमाओं में अगर संसद बदलाव कर रही है तो साथियों ये विधि के द्वारा यानी कानून के अनुसार और इसी के हिसाब से होना चाहिए, किसके हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से होना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। 4 नंबर वही है साथियों कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 368 के तहत बाहर रखा गया है। अब साथियों आगे चलते हैं और आगे हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और इसमें ये केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और अब साथियों यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 1 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस अनुच्छेद नंबर 1 में क्या क्या उल्लेख किया गया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साथियों, ये जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी इसी पीडीएफ में जो कि आपके लिए रिविजन करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया था साथियों कि संसद चाहे तो, यहाँ पर तो नाम है भारत का किस तरीके से रखा गया, और यूनियन यानी भारत ऐसे राज्यों का संघ है जो कि राज्य अलग नहीं हो सकते। नंबर 2 में क्या है, किसी भी विदेशी राज्य को या विदेश का कोई भी छोटा टुकड़ा भी है वो भी मिलना चाहे भारत में तो मिल सकता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर, क्या अनुच्छेद 2 के तहत भारत में आज तक कितने राज्यों को या किसी
ऐसी जगह को मिलाया गया है। तो साथियों उसके लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सिक्किम। सिक्किम को संविधान में संशोधन किया गया 35वां और 1974 में मिला लिया गया भारत में, लेकिन एक सह राज्य के रूप में। ठीक है, सह राज्य के रूप में क्यों मिलाया गया, क्योंकि सिक्किम को पता था कि हम भारत में मिल जाएंगे तो क्या चाइना ने जिस तरीके से तिब्बत पर आक्रमण करके वहाँ पर जो नागरिक थे उनका अत्याचार किया, उनका शोषण किया, क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो साथियों क्या हुआ, भारतीयों में कितनी दयालुता है, क्योंकि भारतीय तो साथियों एक जहरीला सांप भी आता है उसको भी दूध पिलाते हैं, दूध में शक्कर डालकर। तो सिक्किम वासियों को पता चल गया कि भारत है उसका सह राज्य बनने से अच्छा है हम भारत का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो अनुच्छेद 2 का सहारा लेकर के फिर क्या किया गया साथियों, 36वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ साथियों, ये 16 मई को हुआ, जो कि 1975 में, और भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 3, जो कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ किसी भी राज्य की सीमा और उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो इससे पहले कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं वो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर मना कर दे तब भी, ऐसी स्थिति में अगर अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का प्रयोग संसद कर रही है तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो अब साथियों ये MP छत्तीसगढ़ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इसको कब मिलाया गया, कब अलग किया गया, वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये जानकारी साथियों आपके लिए आशा करता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये टॉपिक है तो संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें साथियों संसद को क्या अधिकार दिए गए थे, और नाम और सीमा में परिवर्तन किस आधार पर कर सकती है संसद, नए राज्यों का जो पुनर्गठन किस तरीके से करना, या फिर राज्य का नाम और भारत का नाम, और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, और अनुच्छेद 368 के बाहर क्या रखा गया है वो जानकारी आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपके अनुच्छेद 1 से लेकर के यहाँ पर अनुच्छेद 4 तक इसका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा प्यारा जो भारत आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें से सबसे पहले अलग किया गया था साथियों MP यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को। अब आप कहेंगे छत्तीसगढ़ को अलग क्यों किया गया, तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 3 में ऐसा उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पर राज्य के क्षेत्र में, नाम में और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर पहला क्या है, MP यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 2000 में अलग कर दिया गया इस राज्य को, यानी मध्य प्रदेश से 2 राज्य बन गए अलग अलग। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो आप यहाँ पर देख रहे हो साथियों, ये इसी प्यारे भारत का एक अभिन्न अंग है, और उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य था, और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, थोड़ी सी कि इसको हैंडल करने में आसानी हो जाए, इसलिए क्या है एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड को किस में से बनाया गया साथियों, उत्तर प्रदेश में, जो कि साथियों इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में मिलेगा। यहाँ पर आपको UP यानी उत्तर प्रदेश जो है, इसमें से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। और उसके बाद साथियों बात आती है अनुच्छेद नंबर 4 की, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, बिहार और झारखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये है प्यारा भारत, और इसमें है क्या, बिहार। ठीक है, इस बिहार में से झारखंड को अलग क्यों किया गया साथियों, वही चीज़ है साथियों, अगर बहुत बड़ा परिवार हो जाता है तो उसमें से क्या है, धीरे धीरे जो अलग होने की परंपरा रही है, उसी प्रकार साथियों एक बड़े राज्य को हैंडल करने में क्या है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दिक्कत हो रही है, और इसी कारण साथियों ये बड़े राज्यों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों आपने क्या देखा, बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया। ये जानकारी आपके लिए साथियों रामबाण साबित होगी। अब साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ साथियों, वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ।
ये है आपका एक राज्य जिसको हम पेप्सू कहते हैं। पेप्सू का मतलब क्या है साथियों? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब साथियों इसमें कितने राज्य थे और इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। यहाँ पर एक नंबर में क्या है वो है साथियों कि पंजाब राज्यों का जो एक चार राज्यों में बांटा गया पंजाब को नहीं, इस समय क्या था? पेप्सू था। पेप्सू से चार राज्य बनाए गए अलग अलग, और राज्य बनाने के लिए एक आयोग की जरूरत होती है, और आयोग कौन सा था? वो है सहाय आयोग। सहाय आयोग की सिफारिश पर साथियों ये जो पेप्सू राज्य है इसको चार भागों में बांटा गया। ठीक है, अब चार भाग कौन कौन से साथियों? सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पंजाब है इसका जो ऊपर वाला भाग था हिमालय की तरफ, तो उसको क्या नाम दिया गया? हिमाचल प्रदेश। और उससे थोड़ा नीचे वाला भाग जो कि हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते थे तो उनको क्या है, हिंदी बोलने वालों को हरियाणा में रख दिया और नाम रख दिया हरियाणा, और पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, और एक यूटी बना दिया यानी आपका यूनियन टेरिटरी जो कि आपका है चंडीगढ़। वर्तमान समय में भी आप इसको देख सकते हो। और नंबर तीन पर बात करते हैं तो साथियों वो आता है आपका यहाँ पर जो कि इस प्रकार साथियों देखा जाए तो भारत एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने राज्यों में रह गया। वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो साथियों अखंड भारत वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने पूरी जानकारी दी है कि भारत में, प्राचीन भारत में आपका वर्तमान समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब भारत जो अखंड भारत था प्राचीन समय का उसमें शामिल थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, यानी सिमट कर एक अखंड भारत सिर्फ इतने राज्यों में सिमट कर रह गया। अब साथियों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या 28 राज्य और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है इतने ही थे या पहले ज़्यादा भी थे? हाँ ज़्यादा थे, 29 राज्य थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन साथियों जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख, तो उसके बाद में क्या है, 29 माइनस एक हो गया, तो यहाँ पर वर्तमान समय में साथियों 28 तो राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर एक बढ़ गया था, यहाँ पर 7 की जगह 9 हो गए थे। लेकिन बाद में क्या है साथियों, आपका ये दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है उसको एक कर दिया, यानी इनका विलय करके वापिस केंद्र शासित प्रदेश उतने ही रख दिए। तो यानी वर्तमान समय में कितने हैं आपके? 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये जानकारी थी साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसमें भाग नंबर एक में अनुच्छेद नंबर एक से लेकर चार तक किस तरीके से उल्लेख किया गया वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो साथियों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन ज़रूर करें। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इस स्टडी मटेरियल का अच्छे से सदुपयोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।